नगर परिषद तरीचर कला के लोगों द्वारा बस स्टैंड पर फैली अनियमितताओं को लेकर एक ज्ञापन नगर परिषद में सौंपना चाहा, लेकिन ना तो वहां अधिकारी मिले और ना ही कर्मचारी। बस स्टैंड पर ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, जिससे परेशान होकर नगर वासियों द्वारा समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर नगर परिषद में सौंपना चाहा, लेकिन अधिकारियों के न मिलने से नगर वासियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। आवेदन देने आए थे सीएमओ साहब को और खड़ी बाबू जी को, बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, वहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, लाइट भी नहीं है, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम सभी लोग नगर के लोग ज्ञापन देने आए थे। और यहाँ आके पता लगा है कि न सीएमओ साहब है, न कोई बड़े बाबू है, ताला लगा है। एक दो कर्मचारियों से अभी पता किया तो बोले हमको तो यही पता नहीं है कि यहाँ सीएमओ कौन है और बड़े बाबू कौन है, हम लोग तो आते हैं अपने दस्तखत करते हैं और चले जाते हैं। तो आपका ज्ञापन नहीं लिया गया? हमारा ज्ञापन हमारे हाथ में, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, किसको ज्ञापन देंगे। तो कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ? कोई समस्या का निराकरण होता ही नहीं है, ना यहाँ कभी चेयरमैन आता है, ना कभी सीएमओ आते हैं, ना बड़े बाबू आते हैं। आवेदन नहीं लिया गया? क्या बोलते कर्मचारी? बोले पता ही नहीं हमको कौन से साहब है, कहाँ है, छुट्टी पे है, घर पे है, 6-7 दिन से आए नहीं, 8 दिन से। अच्छा, कहाँ है, क्या जो जानकारी है आपको? नहीं, कोई पता नहीं उनका कहाँ है, कर्मचारी बोल रहे हमको पता नहीं। तो आपका आवेदन नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। राम जन्मोत्सव परिवार द्वारा नजरबाग राम मंदिर से दो पहिया वाहन एवं रामरथ के साथ विशाल